गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो अभी इस वक्त तकरीबन कोई रात के 1:01 कुछ मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट। ठीक है, तो हम वेट कर रहे थे इस चीज का कि रिवॉर्ड जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि पीछे सिर्फ 3 घंटे बाकी बचे हैं। और टेक्निकल टीम से जब पूछा है तो वो बता रहे हैं कि अभी रिवॉर्ड प्रॉपर सारे रिवॉर्ड जो है प्रोसेस होने में आखिरी बंदे तक पहुंचने में तकरीबन कोई 12 घंटे लगेंगे। और USDB का रिवॉर्ड भी बहुत सारे अभी तक पेंडिंग है, वो लोगों को नहीं पहुंचे। तो कुमार बलवन जी और जितने भी हमारे को लीडर्स हैं, ठीक है, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, परेशान हैं कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो अभी नहीं आए, हम वेट कर रहे हैं। और बहुत सारी टीम मेंबर्स, बहुत सारी कम्युनिटी इस चीज़ का वेट कर रही है कि उनको रिवॉर्ड्स आए तो वो अपना स्टेक करें। तो करना तो बिल्कुल नहीं था, ये पॉलिसी में था ही नहीं कि 18 तारीख को 24 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि गलती कंपनी की साइड से है, या गलती कह लें या सिस्टम में डिले है, जो भी है, तो जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से अपनी कम्युनिटी के लिए सोचती है और उसके लिए ईज पैदा करती है, तो डिसाइड ये किया है कि 1 बजे तक आपको सारे रिवॉर्ड्स पहुंच जाएंगे। तो दुबई टाइम 5 बजे तक, 4 घंटे और एक्स्ट्रा, दुबई टाइम 5 बजे तक शाम आप लोग जितने रीस्टेक कर लेंगे वो ओके है, अदरवाइज 5:01 पे आपकी रीस्टेकिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी और ये फिर आपको सारी जिंदगी दोबारा रीस्टेकिंग की ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगी। जो भी कर लेगा वो अपनी जिंदगी में बेहतरी या अपनी फ्यूचर प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए अपना बेहतर कर लेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो दिल करे वो करें, दिल करता है स्टेक करें, नहीं करता ना करें, जैसा दिल करता है वैसे करें, लग पता जाएगा 20 को, ये एक अलग बात है। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर करती है, बेहतर सोचती है और उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।